अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, ऐसे में पंजाब में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तनातनी किसी से छिपी नहीं है। वैसे सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 270 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, जबकि 270 सीटें अन्य सहयोगी दलों को देने की तैयारी है। लेकिन सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि केरल की 20, बंगाल की 42 और दिल्ली की 7 सीटों के बंटवारे को लेकर भी आम सहमति बनाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ सकती है। इन 4 राज्यों में लोकसभा की 82 सीटें हैं। फिलहाल सबकी नजरें 19 दिसंबर को होने वाली मीटिंग पर हैं। मीटिंग में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मौजूदगी तय मानी जा रही है। सीट शेयरिंग के अलावा कई अहम मुद्दों पर सहमति बन सकती है। सभी दलों की संयुक्त चुनावी रैली पर भी बात बन सकती है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल के बयान से सियासत गरमाना तय है।